स्टूडेंट्स, अब हम एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट्स होते हैं, इनको हम दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स, या दूसरा नेक्स्ट नेम इनके लिए जो है, दैट इज सिंपैथोलाइटिक्स। These are the different names given to the same category of the drugs. ये जो adrenergic antagonists होते हैं, अब हम देखेंगे कि ये क्या इफेक्ट दिखाते हैं और ये इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं। ये जो adrenergic blockers होते हैं, ये बाइंड करते हैं टू द adrenergic receptors. They bind to the adrenergic receptors and block them. They block adrenergic receptors and prevent the action of the adrenergic. They prevent action of adrenergic drugs. यानी कि जो actions हमारे adrenergic drugs दिखाते हैं, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट्स दिखाते हैं, ये अब उन्हीं के एंटागोनिस्ट्स होते हैं, ये उन्हीं का एक्शन ब्लॉक करते हैं। ये रिसेप्टर्स एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड अप होते हैं और ब्लॉक करते हैं उनके एक्शन को। ये जो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट्स होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट इज दे ब्लॉक द अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स, या दूसरी कैटेगरी जो होती है, दैट इज बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स। या तो ये अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे या बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। अब हम देखेंगे ये जो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये जो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, ये इनको हमने क्लासिफाई किया है टू मेन कैटेगरीज में। नंबर फर्स्ट इज द नॉन सिलेक्टिव कैटेगरी। वो कैटेगरी है जहाँ पे हमें ड्रग दोनों टाइप्स के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा, मींस अल्फा वन को भी ब्लॉक करेगा एंड अल्फा टू को भी ब्लॉक करेगा, दोनों को ब्लॉक करता है। इसमें एग्जांपल क्या है हमारे पास, दैट इज फिनोक्सीबेंजामिन। दिस इज द नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, मींस इसमें अल्फा वन पे भी ब्लॉक करेगा, ये अल्फा टू को भी ब्लॉक करेगा। अनदर कैटेगरी इज, या दूसरे एग्जांपल इसी नॉन सिलेक्टिव में है, दैट इज अर्गॉट एल्कलॉइड्स। ये भी दोनों को ब्लॉक करते हैं, अल्फा वन को भी और अल्फा टू को भी। या थर्ड एग्जांपल इन दिस केस इज फेनटोलामीन। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। अब दूसरी कैटेगरी जो होती है, दैट इज सिलेक्टिव। सेकेंड ग्रुप इज सिलेक्टिव। सिलेक्टिव क्या होता है, इसमें हम पहले देखेंगे कि इसमें दो कैटेगरीज होते हैं, दैट इज अल्फा ब्लॉकर्स, जो कि खाली अल्फा वन ब्लॉकर्स जो होते हैं, अल्फा वन यानी कि जो कि हमारे अल्फा वन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, वी विल कॉल देम सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स। इसमें एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इट इज प्राइजोसिन, या दूसरे एग्जाम्पल जो है, दैट इज टेराजोसिन, या थर्ड एग्जाम्पल इज डॉक्साजोसिन। नाउ दिस आर द अल्फा वन ब्लॉकर्स, सिलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉकर्स। नाउ कमिंग टू द अल्फा टू ब्लॉकर्स, बी इज द अल्फा टू ब्लॉकर्स। अल्फा टू ब्लॉकर्स में एग्जाम्पल है हमारे पास योहिम बीन। दिस इज द अल्फा टू ब्लॉकर। दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स। नाउ कमिंग टू द
फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ द अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो होते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स, ये जो हमारे एड्रेनर्जिक ड्रग्स होते हैं, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट्स होते हैं, दे वेयर ऑब्जर्व टू बी वैसो कंस्ट्रिक्टर, यानी कि जो हमारा अल्फा रिसेप्टर्स के साथ जो एगोनिस्ट होता था वो हमें एक वैसो कंस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है। अब चूंकि हम यहाँ पे एंटागोनिस्ट दे दें, अभी उसका इफेक्ट काम करेगा, उसका इफेक्ट अपोजिट में एंटागोनाइज करेगा, सो इट शोज हियर वैसो डायलेशन क्रिएट कराता है हमारा ये जो अल्फा वन ब्लॉकर होता है। तो इसमें क्या होता है, देयर इज एन रिड्यूसेस पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज रहती है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस टू द ब्लड रिमेंस डिक्रीज, उससे क्या होता है, देयर इज डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाता है, विच रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, दैट इज ब्लड प्रेशर फॉल होता है। अब ये जो ब्लड प्रेशर फॉल होता है ये एसोसिएटेड होता है विद रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, दैट इज इट शोज रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया क्या होता है, ये जो हमारा ब्लड प्रेशर जब फॉल होता है, हमारा जो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी में, इस रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर को कंपेंसेट करने के लिए हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, मींस देयर इज एन इंक्रीज इन द हार्ट रेट विच रिजल्ट्स इन द टैकीकार्डिया विच वी कॉल एज रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। नेक्स्ट इफेक्ट जो होता है दैट इज इट कॉजेज नेजल स्टफीनेस। हमारे जो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट्स होते हैं वो हमारे नेजल डिकॉन्जेस्टेंट्स होते हैं, मींस वो हमारे नेजल रिसेप्टर्स को नेजल पैसेज को डिकॉन्जेशन कराते हैं, मींस वो रिलैक्सेशन कराते हैं। इधर क्या होता है, दे काज हेयर दे शो स्टफीनेस, मींस हमारा ये जो नेजल कंजेशन होता है वो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेड ऑफ द अल्फा रिसेप्टर्स, बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेड ऑफ द अल्फा रिसेप्टर्स इन द नेजल पैसेज, जिसकी वजह से नेजल स्टफीनेस आती है। या नेक्स्ट इफेक्ट जो देखा गया है दैट इज मियोसिस, इट कॉजेज अल्फा ब्लॉकर्स जो होते हैं दे कॉज मियोसिस, क्योंकि जो हमारे वहाँ पे अल्फा ये एगोनिस्ट्स होते हैं एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट्स, दे कॉज मेड रेसिस, अब यहाँ पे उसी का अपोजिट इफेक्ट आता है, दैट इज मियोसिस। इन केस ऑफ गट यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट क्या देखा गया है, इट रिजल्ट्स इन केस ऑफ गट इट शोज इंक्रीज इन द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इज इंक्रीज, यानी कि एक इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ जाती है, विच मे रिजल्ट इन द लूज मोशन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन मोटिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन्स। नाउ नेक्स्ट इफेक्ट इज इन किडनीज पे क्या इफेक्ट देखा गया है, इन केस ऑफ किडनी देयर इज एन डिक्रीज इन रीनल ब्लड फ्लो, हमारा रीनल ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, और उससे क्या होता है, देयर इज डिक्रीज इन द ग्लोमेरुलर फिलेट्रेट रेट, GFR डिक्रीज होता है, विच लीड्स टू द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। नेक्स्ट इफेक्ट इज इन केस ऑफ स्मूथ मसल्स, ये जो स्मूथ मसल्स और प्रोस्टेट होता है इसका टोन डिक्रीज रहता है, देयर इज डिक्रीज रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ यूरिन, मींस हमारे जो प्रोस्टेट पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि यूरिन फ्लो इन पेशेंट्स विद हाइपरट्रॉफी इज इम्प्रूव्ड, यानी कि जिनको प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी होती है उनमें ये जो यूरिन फ्लो होता है वो
इम्प्रूव हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द यूरिन. दिस वॉज अबाउट द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ द अल्फा वन अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स. फॉर फर्दर डिटेल्स वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.